बिहार के अंदर आज के डेट में जो दलितों की स्थिति है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब पटना के अंदर लाखों लोग आपको भूमिहीन मिल जाएंगे। बिहार में जाके देखिए दलितों की क्या स्थिति है, गांव में जानवर के तरह लोग जिंदगी जीते हैं, एक झोपड़ी में अपना रात बिताते हैं। दलित समाज के नेताओं के स्वाभिमान के साथ मत खेलिए। माझी सिंह के साथ आपने क्या किया? इस देश में हर चौथा दलित है। आप 25% दलितों की आबादी है इस देश में, आप उसको इग्नोर करके कैसे आप विपक्षी एकता को बना सकते हैं? दलितों के मसीहा तो हैं लालू यादव। ये लोग क्या सोच रहे हैं कि दो चार नेता को बुला ले और हम पीएम बन जाए? तो ऐसे नहीं बन पाइएगा, पॉसिबल नहीं है। नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ 17 साल रहे गठबंधन में, लगातार आना जाना। बीजेपी के नेताओं से अभी भी उनका पर्सनल अच्छा संबंध है, कभी भी उनका मोह भंग हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इस बात को कह दिया है कि इस बार जो प्रधानमंत्री बनेगा वो दलित होगा, लेकिन विपक्षी एकता बनाई जा रही है। केसीआर को भी उसमें बुलाया जा रहा है, केसीआर ने आने से पहले मना कर दिया था। आएंगे कि नहीं आएंगे इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जो विपक्षी एकता बन रही है, क्या वो दलित चेहरा को आगे करेगी? लेकिन सवाल ये भी है कि जहाँ दलित पीएम की मांग हो रही है, उससे पहले दलितों की जो पार्टी है उससे विपक्षी एकता वाले लोग दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। माझी जी ने इनसे दूरी बना ली, बहन जी को आने का इन्विटेशन नहीं दिया गया है। तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मनीष पासवान मेरे साथ है, दलित एक्टिविस्ट हैं। कैसे बनेंगे दलित प्रधानमंत्री, फॉर्मूला क्या है आप लोगों का? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जिस प्रकार से आज़ादी के 75 साल हो गया है और आज तक एक दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है। आपको पता होगा कि जगजीवन राम जी बनने से रह गए, लोग कहते हैं। तो मेरा ये कहना है, दलित प्रधानमंत्री का तो सवाल छोड़िए, वो अलग की बात है। आप दलित नेताओं को बुला नहीं रहे हैं, ये बड़ी बात है। आप ये बताइए, इस देश में हर चौथा दलित है। आप 25% दलितों की आबादी है इस देश में, आप उसको इग्नोर करके कैसे आप विपक्षी एकता को बना सकते हैं? दलितों के मसीहा तो हैं लालू यादव, अब क्या चाहिए? नहीं नहीं, देखिए लालू यादव जी दलितों के लिए काम किया है, कुछ काम उन्होंने किया होगा, लेकिन बिहार के अंदर आज के डेट में जो दलितों की स्थिति है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब पटना के अंदर लाखों लोग आपको भूमिहीन मिल जाएंगे। बिहार में जाके देखिए दलितों की क्या स्थिति है, गांव में जानवर के तरह लोग जिंदगी जीते हैं, एक झोपड़ी में अपना रात बिताते हैं। तो अगर काम होता उनके लिए तो वो दिखता, वो क्यों नहीं दिख रहा है? तो ये सब चीज़ देखिए ठीक है। लालू यादव जी कह रहे हैं कि बहन जी को भी बुलाना चाहिए, बहन जी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के पक्ष के। अच्छा, आप ये बताइए, नीतीश कुमार से बड़ा बी टीम कौन है बीजेपी का? नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ 17 साल रहे हैं गठबंधन में, लगातार आना जाना। बीजेपी के नेताओं से अभी भी उनका पर्सनल अच्छा संबंध है, कभी भी उनका मोह भंग हो जाएगा। उनसे बड़ा बीजेपी का बी टीम कोई नहीं है, वो बीजेपी का भेजा हुआ। हम तो कहते हैं कि बहन जी की राजनीति खत्म हो चुकी है, उनके पास वोट बैंक नहीं है। ये अच्छा, देखिए बहन जी की पार्टी, आपको पता है कि अभी राजस्थान में जो चुनाव हुआ था, 6 ML उनका जीता था, कांग्रेस में चला गया ना, तो वहाँ तो है उनका वोट। हम ये कहते हैं कि दलित नेताओं की भागीदारी होनी चाहिए। बहन जी की पार्टी इस देश में राष्ट्रीय पार्टी है। आपका नीतीश कुमार जी मैक्सिमम कितना इनको सीट मिलेगा? 15 को सीट मिलेगा। अरे भाई, अभी लोगों को बहन जी अगर नहीं भी है, मतलब वो नाराज़ भी है, तो आपको मनाना चाहिए। अगर आप अपना दिल दिखाते तो बहन जी कहते कि चलो भाई ठीक है, आप प्रधानमंत्री बनने की बाद की बात है, लेकिन अभी आप बुला नहीं रहे हैं उनको। बहन जी का पूरा देश में हर जगह उनका संगठन है, उनकी पार्टी है। अब देख लीजिए, बहन जी के पक्ष में तो दो दो नेता भी जिनकी अपनी पार्टी है, वो लोग कह चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर यूपी के इतने बड़े नेता है, उन्होंने क्या कहा है कि बहन जी को इस देश का पीएम होना चाहिए, उनको विपक्ष को चेहरा बनाना चाहिए। एक और कौन सी पार्टी है अभी, वो लगातार कैंपेन कर रहा है कि बहन जी को पीएम होना चाहिए। तो बहन जी ने जो काम किया है उस आधार पर, उन्होंने दलितों के लिए ही काम नहीं किया है, मुस्लिम पिछड़ा सब समाज के लिए काम किया है। और वैसे नेता को साथ में लाना चाहिए, उनको मनाना चाहिए, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, इन लोगों को। लेकिन ये लोग क्या सोच रहे हैं कि दो चार नेता को बुला ले और हम पीएम बन जाए? तो ऐसे नहीं बन पाइएगा, पॉसिबल नहीं है। आप लोग किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, हम लोग तो सीधा चाहते हैं कि मोदी को हटाना है, लेकिन जो विपक्षी एकता है, विपक्षी एकता बने तब तो हम लोग डिसाइड करेंगे, अभी तो काफी समय है। मतलब क्या चाहते हैं, दलित प्रधानमंत्री बने देश? एकदम बने, हम चाहेंगे कि इस बार दलितों की सरकार हो देश में। कितना अभी कोई अभी बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहते हैं, बहन जी को चाहते हैं, किसको चाहते हैं? देखिए,
किसी को, हम ये कहते हैं कि दलित समाज के नेताओं के स्वाभिमान के साथ मत खेलिए। माझी जी के साथ आपने क्या किया अभी आप बताइए कि लालची हो गए हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं कि अपने परिवार के मुंह में आके इस तरह से। अच्छा ये बताइए, माझी जी का चार नहीं होता MLA तो नीतीश जी CM बन पाते क्या? उस समय अगर वो तेजस्वी यादव से संपर्क में आ जाते तो उन्होंने अपना बखूबी धर्म निभाया कि ईमानदारी का धर्म निभाया कि चलो भाई नीतीश जी को सपोर्ट किया। आज आप क्या कर रहे हैं उनके साथ? आपकी भी तो छोटी पार्टी है, BJP इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस आप भी कांग्रेस में मर्ज कर लीजिए। कितना है भाई, कितना MLA है? 43 MLA है आपका, आप कांग्रेस में MLA कर लीजिए, आपकी भी तो छोटी पार्टी है। ये सब फालतू की बातें हैं कि भाई देखिए सीधा सीधा दलित नेताओं को वो दरकिनार करके चल रहे हैं, तो ऐसे विपक्षी एकता जहाँ पे दलित ना हो बन ही नहीं सकता है। चलिए, तुम्हारे साथ मनीष थे और इनका कहना है कि अब की बार दलित सरकार यानी कि दलित प्रधानमंत्री चाहिए देश में। लगातार आज़ादी के बाद अभी तक कभी ऐसा संयोग नहीं बना कि दलित को प्रधानमंत्री बनाया गया हो, और दलितों के जो नेता हैं उनको इग्नोर करने से विपक्षी एकता कमजोर होगी। चाहे बहन जी हो, माझी जी हो, अन्य जो भी लोग अलग हैं अभी महागठबंधन से, उनको साथ लाना चाहिए, तब जा करके मोदी को हराना चाहिए, और मोदी को हराना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।